अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये तकरीबन हर एग्ज़ाम में टेबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी होता है, ठीक है। वर्ड में टेबल कैसे बनाना है, तो इंसर्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ पे टेबल है, ठीक है। टेबल का मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कितने रोज़ और कितने कॉलम्स का टेबल बनाना चाहते हैं, नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने क्या सिलेक्ट किया है, 4x5। तो ये 4x5 हमने सेलेक्ट किया है, तो सो हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास टेबल बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप चाहें आप इसको लिख सकते हैं। ये बन गए, इसके कितनी रोज़ हैं, 5, और कॉलम कितने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें, इसमें अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर किसी एक सेल को सेलेक्ट, किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है तो आप ये देखें, इसके उस सेल के इस कॉर्नर पे ले गया माउस, तो उसकी शेप चेंज होती है। ये ब्लैक सा एरो आ गया एक, इस पर क्लिक करेंगे सेल सेलेक्ट हो गया, समझ आ रही। और अगर पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो इधर माउस लेके आए, ये देखें ये माउस की नॉर्मल शेप आ रही है, और जैसे ही आप यहाँ पर माउस लेके आते हैं ये देखें चेंज हो रही शेप इसकी, आप क्लिक कर देंगे पूरी रो सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो ऊपर माउस, कॉलम के ऊपर माउस लेके जाएं, ठीक है, ये एरो की शेप चेंज हो रही है, इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते, समझ आ गई बात। अच्छा, ये तो होगी सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद अगर आपने दरमियान में कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, या रो इंसर्ट करनी है या रो डिलीट करनी है, इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। आप फर्स्ट करेंगे कॉलम डिलीट करना है आपने, इस कॉलम पे क्लिक करें, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक, क्या लिखा हुआ है, डिलीट कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, ये वैसे आप किसी भी सेल पर राइट क्लिक करें ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें, लेकिन अभी क्या लिखा आ रहा है, आप डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास पूछ लेगा कि पूरी रो डिलीट करनी है या पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो मतलब ये ऑप्शन फिर भी आ जाएंगे आपके पास, सही है। और दूसरा ये है कि सेल भी डिलीट हो सकता है, सेल भी डिलीट हो सकता है। मैं पहले इसमें कुछ डाटा लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री, एरिया, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, हमने लिखा इंडिया, इंडिया का एरिया कितना है, फॉर एग्जांपल 3 मिलियन, 4 मिलियन गलत है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन स्क्वायर फीट है इसका। पॉपुलेशन इनकी है 1,200 मिलियन, लिटरेसी रेट इनका है फॉर एग्ज़ाम्पल 87%। फिर इतना पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान का एरिया है 0.7 मिलियन, पॉपुलेशन कितनी है 220 मिलियन, लिटरेसी रेट कितना है फॉर एग्ज़ाम्पल 81%। फिर आ गया श्रीलंका, इसका एरिया फॉर एग्ज़ाम्पल 0.35 मिलियन, पॉपुलेशन कितनी है फॉर एग्ज़ाम्पल 120 मिलियन, लिटरेसी रेट फॉर एग्ज़ाम्पल 98%। फिर आ गया बांग्लादेश, ठीक है, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 0.45 मिलियन है, पॉपुलेशन कितनी है 110 मिलियन, लिटरेसी रेट कितना है 99%। अच्छा, ये हमने कुछ डाटा लिख लिया। किसी एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करेंगे, टैब, ठीक है। और अगर आपने बैक सेल में जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे, समझ आ गई। अच्छा, हम कह रहे थे कि अगर हमने कोई कॉलम इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो वो कैसे होगा, इंसर्ट करना सीख लेते हैं पहले। हमने यहाँ पे फर्ज करें कोई कैपिटल का कॉलम बनाना है, कैपिटल का, तो वैसे आप यहाँ पे इस सेल और इस सेल के दरमियान एक नया कॉलम ऐड करना है, इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान में एक नया कॉलम ऐड करना है, तो आप इस कॉलम पर राइट क्लिक करें, ये इंसर्ट के ऑप्शन पर आए, और ये ऑप्शन क्या आ रहे हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द, तो लेफ्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए, जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई आपको, लेफ्ट, ये आगे कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कर हम लिखते हैं कैपिटल, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको कॉलम इंसर्ट करना आ गया, डिलीट करना भी आ गया, सिंपली राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं तो आप इंसर्ट के ऑप्शन सामने आ गए, और डिलीट सेल में जाएं तो डिलीट के ऑप्शन सामने आ जाएंगे, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर आपने डिज़ाइन चेंज करना है टेबल का,
ये डिज़ाइन टेबल स्टाइल सामने बने बनाए पड़े हुए हैं, आप इस टेबल में कहीं भी क्लिक कर दें, बस पूरा टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था सेल कैसे सेलेक्ट होना है, रो कैसे सेलेक्ट होनी है, कॉलम कैसे सेलेक्ट होना है, पूरा टेबल भी सिलेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पर ये देखें, ये निशान आ रहा है चार एरोज़ का, इस पर क्लिक करें तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। या एक और ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करें, सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, ये देखें, ये जब आप ये टेबल से बाहर कहीं क्लिक करेंगे ना, तो वो इसकी वो चीज़ें सामने नहीं आती टेबल की। जब टेबल की आप यहाँ पे गौर कीजिएगा इस ये रिबन पे, यहाँ पे कितनी टैब आ रही हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन लेड वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे दो एक्स्ट्रा टैब आएंगी, देखिएगा आप कब आएंगी, जब मैं टेबल पे क्लिक करूँगा। ये टेबल पे क्लिक किया, ये देखें आप, और जब टेबल में बाहर गया वो फिर गायब। मतलब वो टैब स्पेशल किसकी हैं, टेबल की हैं। वो कब आएंगी, जब टेबल पे क्लिक करें, ठीक है। जब इसकी लेआउट टैब में जाना है और लेआउट में चले जाएं, यहाँ पे टेबल ग्रुप है, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, सिलेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे माउस से एक्शन नहीं हो पा रही तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम करना है, रो करनी है, टेबल करना है, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, डिज़ाइन टेबल में कहीं भी क्लिक करें आप और इसका डिज़ाइन चेंज कर दें, ठीक हो गया। देख लें आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है, ना सिर्फ डिज़ाइन चेंज होता है बल्कि उसके फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। अगर आपको स्टिल ये डिज़ाइन बने बनाए डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे तो आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। डिज़ाइन में करना क्या होता है, आपने कलर्स सेट करने होते हैं और बॉर्डर्स सेट करने होते हैं आपने, ठीक है। तो कलर्स आप कैसे सेलेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी टॉप रो है, इसको सेलेक्ट करें आप सारी को और ये शेडिंग में चले जाएँ, शेडिंग में जाके आप इसका कलर चेंज कर दें, सही है। और उसके बाद टेक्स्ट कलर तो उधर से चेंज होगा, यहाँ से जो मैंने आपको बताया था पहले, सही है। अच्छा, उसके बाद बॉर्डर्स, टेबल डिज़ाइन के अंदर बॉर्डर्स भी हैं, ये देखें, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें सबको, या जिस एरिया पे लगाना है बॉर्डर उसके बॉर्डर्स लगा दें, ये बॉर्डर लग गए। ये बॉर्डर वैसे ही लगाएंगे जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, एक्सेल में जैसे लगाए थे हमने, वैसे ही लगेंगे, ठीक है, क्लियर। बॉर्डर्स लगाना आ गए, अदरवाइज आप अपनी मर्जी का स्टाइल भी लगा सकते हैं, सही है। तो ये तो बने बनाए हैं, मतलब बने बनाए से बता दें कि ये बॉर्डर कंपोनेंट्स हैं ये, लेकिन यहाँ स्टाइल यहाँ से मिलेगा आपको इसका, सही है, लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लगा के देखते हैं, हमने ये देखें, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पेंसिल का निशान आ जाता है। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं आएगा ऐसे, तो ये ना हो कि आप वहाँ पे प्रैक्टिकल दे रहे हो, वहाँ पे आप यहाँ से सेटिंग कर रहे हो और वो अप्लाई ना हो, आप कहें ये क्या, ये तो अप्लाई नहीं हो रहा। ये जब पेंसिल का निशान आ जाता है ना, तो फिर आपने उसको ड्रॉ करना है, इसको आप ड्रॉ कर लें या पेंट कर लें। ये पेंसिल का निशान ख़त्म करना है तो दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दें बॉर्डर पेंटर, समझ आ गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, इससे अगली जो चीज़ है मर्ज सेल, क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे ऊपर एक और रो लेनी है, तो आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट, क्या ऑप्शन है, इंसर्ट रोज अबव, इससे ऊपर एक और रो लेनी है आपने, ये आगे रो, सही है। इसके सारे सेल्स जितने भी हैं इसको आपस में क्या करना है, मर्ज, क्या करना है, मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो आप इनको पहले सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। अच्छा, इसके मैं बॉर्डर्स दोबारा वही कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉर्डर्स की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, हाँ जी। अब और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मैं सिंपल कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने किया सेलेक्ट और इस पर राइट क्लिक करें और हमारे पास एक ऑप्शन क्या आ रहा है, मर्ज सेल। या आप लेआउट टैब में जाएं, यहाँ पर भी ये देखें ऑप्शन है मर्ज सेल का, समझ आ गई, ये हो गया मर्ज, क्लियर है। अब यहाँ पे फर्स्ट करें, मैंने कोई हेडिंग लगानी है लाइक लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड देयर डाटा, सही है। तो आप इसको सेलेक्ट, इसको मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ और इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर देता हूँ। ये तो मर्ज सेल समझ आ गया आपको कैसे करना है, किसी भी दो सेल्स को मिलाएं, ठीक है, और उस पर राइट क्लिक करें और मर्ज, जिसको भी आप मिलाना चाहते हैं उन दो सेल्स को या तीन को, जिसको भी आपने करना है उसको राइट क्लिक करें और सेलेक्ट करें और मर्ज। अच्छा, मर्ज सेल का एक अपोजिट होता है,
मर्ज का क्या होता है? अपोजिट होता है स्प्लिट. क्या होता है ये? हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखें. स्प्लिट का मतलब होता है एक सेल को आपने दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ये सेल है, इसको ब्रेक करना है आपने, दो कॉलम बनाने हैं इसके. तो आप यहाँ से राइट क्लिक से भी ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल का, और ये यहाँ पर भी ऑप्शन है स्प्लिट का, तो स्प्लिट पर क्लिक करें. यहाँ पर देखें हम पूछ रहा है इसके क्या बनाना है, इसका कॉलम बनाने हैं, रोज बनानी है, क्या करना है इसका. तो हम कहते हैं दो कॉलम बना दो, रो एक ही रहे. फिर क्या करें, इनको बाहर भेज दो है. ठीक है सर. बेटा थोड़ा सा खुद आप सोचो, ये लेक्चर हो रहा है, ये हो जाएगा, उसके बाद उससे आगे बात करें. अब वो अपनी पढ़ गई हमारा लेक्चर, फिर ये हमारा लेक्चर ले लेंगे. इसके नंबर ऑफ रोज एक ही रहेगी, कॉलम दो बन जाएंगे इसके. ओके करें, ये देखें दो कॉलम बन गए. अच्छा, इसमें मज़ीद हम देखें, इसको मैंने अंडू कर दिया, वापस एक सेल बना दिया. आप इसको दोबारा स्प्लिट करें, रोज बना दें, कॉलम एक कर दें. सही है, समझ आ गई. और दोबारा फिर मैं अंडू कर रहा हूँ, राइट क्लिक स्प्लिट सेल, छह रोज बना दो, चार कॉलम बना दो. तो बना दिए. ठीक है, समझ आ रही बात. तो इस तरीके से आप सेल्स को मर्ज स्प्लिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आमतौर पे ये करना पड़ता है एग्जाम में. ठीक है, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ें आपसे पूछेंगे, इसके अलावा कोई खास चीज़ नहीं पूछेंगे आपसे. एक और चीज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, पॉपुलेशन लिखी हुई है, हम यहाँ पर देते हैं इन मिलियन. ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है यहाँ. ठीक है, आप यहाँ पे एक नीचे एक रो लें, यहाँ पे आखिरी सेल में जाकर टैप प्रेस कर दें, एक रो नीचे आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे जाके आप ये इन सबको टोटल करना है. तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये लेआउट टैब में जाएं, यहाँ पे डाटा ग्रुप है, उसके अंदर फार्मूला कमांड है, इस पर क्लिक करें. क्या लिखा हुआ है सम अबव, यानी ऊपर वाली वैल्यूज को. अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन हैं, फार्मूले और भी हैं, देखें आप ABS एंड एवरेज काउंट इंच मैक्स मिनिमम. तो ये इसमें से कम आपको ये पता होना चाहिए, एवरेज जिस तरह से मैं सम कर रहा हूँ उसी तरह से एवरेज भी निकाली जा सकती है. और आपको और कौन सा पता होना चाहिए, मैक्स कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से, मिन मिनिमम. ठीक है, बस ये चार पांच फंक्शन याद रख लें. फिलहाल हम सम का कर रहे हैं. ओके करें, सम आ गया. तो ये फार्मूला का भी पता होना चाहिए आपको, फार्मूला कैसा लगाना है. बाकी अलाइनमेंट आपको पता है अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बात. इसमें बाद का यूँ होता है कि ये तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ना, बाद का वर्टिकल अलाइनमेंट भी करनी होती है हमने. जैसे ये कंट्री है, ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में है, वर्टिकली ये ऊपर है, थोड़ा सा इसको नीचे होना चाहिए था, ऐसे आया नहीं है. तो आप इस पर सेल पर क्लिक करें, लेआउट में जाएं, यहाँ पर देखें नो ऑप्शन आ रहे हैं अलाइनमेंट के. आप इसमें क्लिक कर रहे हैं, आगे सेंटर में, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ये सारे चेक करके देख रहे हैं आप, नो ऑप्शन है. क्लियर? अच्छा, और कुछ, एनी क्वेश्चन?